हेलो प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में मैं तुम लोगों को अवकलन गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। ये कैलकुलस की बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है, शाखा है, बहुत ही जरूरी है। कैलकुलस में ये सब चीज़ सीखोगे तो इसको अवकलन कहते हैं, अंग्रेजी में डिफरेंशियल कहते हैं। तो देखो मैं इसको समझा रहा हूँ तुम लोगों को, उसको ठीक समझो। अवकलन जिसको अंग्रेजी में डिफरेंशियल कहते हैं, डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी आई। प्यारे बच्चे इसको समझो, ये अवकलन का सिंबल क्या है, प्रतीक। इसका प्रतीक होता है डी वाई डी एक्स। इसका मतलब यक्स के सापेक्ष में अवकलन करना, और जिसका अवकलन करना होता है वो यही लिखा जाता है बगल में। ऐसे मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका यक्स के सापेक्ष अवकलन को डी वाई डी एक्स एफ एक्स कहेंगे। इसी को संक्षेप शॉर्ट में एफ डैश यक्स भी कह देते हैं अवकलन, ठीक, ये होता है। इसी को कैपिटल डी एक्स भी कहा जाता है। कैपिटल मतलब यक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है किसका, एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। तो ये अवकलन का सिंबल हो डी वाई डी एक्स, ज़्यादातर ही पॉपुलर है, और ये एफ डैश वाला भी ज़्यादा है। अब इसे कुछ फार्मूले हैं जिनको जान लेंगे तो आपसे सब सवाल बन जाएंगे। तो हम सब सूत्र बता रहे हैं, सबसे पहले उसको ध्यान से समझें। पहला है डी वाई डी एक्स यक्स टू पावर एन, जहाँ यक्स चर है और एन उसके जो घात लागू अचर का है। इसका सूत्र होता है जो पावर है वो पहले हो जाता है एन, और जितना होता उससे कम है, यानि यक्स टू पावर एन माइनस वन। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्यारे बच्चों सूत्र है, इसका ध्यान रखिए। एन एक्स टू पावर एन का अवकलन पढ़ेंगे, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। एग्जाम्पल देखो, ये सूत्र है, इसका एग्जाम्पल जैसे डी वाई डी एक्स एक्स टू पावर थ्री है, तो इसका जो पावर एन थ्री है ये पहले हो जाएगा, और जितना रहेगा उसे थ्री माइनस वन, इसका मतलब हो जाएगा थ्री एक्स टू पावर टू। ये इसका उदाहरण है। इसी प्रकार से और जैसे डी वाई डी एक्स एक्स टू पावर माइनस सेवन है, तो ये माइनस सेवन पहले हो जाएगा, माइनस सेवन एक्स टू पावर माइनस सेवन और माइनस वन, एक क्योंकि एक बार कम होता है तो हो जाएगा माइनस सेवन एक्स टू पावर माइनस एट। ये इसका फार्मूला, ये इसका क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से और आगे इसको आप लोग ध्यान समझ लें। इसके आगे मैं और भी बताता हूँ दूसरा फार्मूला। फार्मूला नंबर टू देखिए, डी वाई डी एक्स, इसको डी वाई डी एक्स पढ़ते हैं, ये बाई मैंने हमने बाई बटे ना कह के डी वाई डी एक्स। जैसे कोई फंक्शन कोई भी फलन ई टू पावर एक्स का है, तो ई टू पावर एक्स चरघातांकी फंक्शन है, इसका अवकलन इतना ही होता है, ई टू पावर एक्स ही होता है, ध्यान रखिएगा वही होता है। फिर इसको बाद में प्रथम सिद्धांत से इसको सत्यापन भी किया जाएगा, देखिए पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूत्र तो जानना बहुत जरूरी है। तीसरा नंबर देखिए, डी वाई डी एक्स कोई कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट जैसे पाँच है, सात है, कुछ भी है, दस है, सौ, पचास, कुछ भी हो, माइनस प्लस कुछ भी हो, अगर कांस्टेंट है तो उसका अवकलन सदैव जीरो होता है, ये ध्यान रखिए। फिर इसी प्रकार से अगला चौथा नंबर, डी वाई डी एक्स मान लिया जाए ए टू पावर एक्स, इसका अवकलन ए टू पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस पर ए होता है, ई बेस पर ए होता है, इसको ध्यान दीजिए। ये ए चर अचर है और ये उसके ऊपर जो एक्स लगा वो चर है, ठीक है। इसको सूत्र समझ लीजिए, फिर से सवाल सब समझा देते हैं। फिर पांचवा नंबर देखो, डी वाई डी एक्स लॉग ई बेस पर एक्स, इसका अवकलन एक बटा एक्स होता है, ई बेस पर रहे तब। इसके आगे डी वाई डी एक्स अगर लॉग ए बेस पर एक्स है तो इसका प्यारे बच्चों वन अपान एक्स, इसके साथ में लॉग ए अपने स्थान पे है वही रहेगा, जहाँ चर है चर का स्थान बदल जाता है वहाँ पर ई हो जाता है। इसको ध्यान से गौर समझो, डी वाई डी एक्स लॉग ए बेस पर एक्स, यानी लॉग एक्स बेस ए, ऐसा पढ़ लीजिए, वन अपान एक्स लॉग ए लॉग ई बेस ए, यानी ए बेस पर ई,
या लॉग ई बेस ए ऐसा पढ़ेंगे। फिर इसी प्रकार से और भी बहुत सूत्र हैं, आगे देखिए आप लोग। और लॉग ए एक्स का हो गया, इसके बाद हम कुछ आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल का बता दें, सब सूत्र जानिए। सातवें नंबर पर है डी वाई डी एक्स साइन एक्स, ऐसा ही है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसका अवकलन साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, उसको समझिए। नौवा नंबर क्रम कुछ भी कर लीजिए, समझना आपको है। डी वाई डी एक्स टाइन एक्स, इसका अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अगला डी वाई डी एक्स साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक एक्स का बताना है, तो इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू काट एक्स, इसको समझिए। फिर इसी प्रकार से आगे उसको सीख लीजिए, अवकलन समाकलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये फिजिक्स के डेरिवेशन में कभी काम आएगा। तो कॉसेक का हुआ माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ग्यारह नंबर देखिए आगे डी वाई डी एक्स, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टाइन एक्स, सेक एक्स इंटू टाइन एक्स। अभी सोचते हो कैसे आया होगा, ये भी बताया जाएगा, वो प्रथम सिद्धांत से अवकलन होता है, जब ये आप जान लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें लिमिट और अवकलनीयता सब जानना जरूरी है, फिर सबका विस्तार एक्सपेंशन भी जानना जरूरी तभी बनेगा। लेकिन ये आपको नितांत आवश्यक है, सूत्रों को समझना, दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आने लग जाएंगे। फिर सेक एक्स का सेक एक्स टाइन एक्स, फिर इसके आगे है डी बाई डी एक्स टैन का उल्टा काट होता है, काट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये प्यारे बच्चों का ध्यान रखें। थोड़ा सा समझ ट्रिग्नोमेट्रिकल में एक चीज़ समझ लीजिए, इसलिए जो माइनस लगा है आपको लगता हो कहाँ हम माइनस रखें कहाँ नहीं रखेंगे, थोड़ा एक ट्रिक में बता रहा हूँ तुम लोगों को। जो सी से शुरू वाले हों, जो सी से शुरू जैसे कॉस में सी एक्स से शुरू होता है, वो सब देखो निगेटिव में जा रहा है, कॉस का अवकलन देखो माइनस में आया है, माइनस साइनस। इसे सी वाला और कम देखो कॉसेक है, सी से शुरू हुआ है, इसका भी अवकलन माइनस में, माइनस कॉसेक एक्स इंटू काट एक्स हो जाता है। इससे सी शुरू होने वाला देखो काट एक्स है, सी शुरू है, इसका भी अवकलन माइनस में है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा हिंट के लिए ध्यान रखेंगे, जो सी से शुरू होने वाले हैं वो सब निगेटिव में जा रहे हैं, बाकी तो पॉजिटिव में ही है, ये है और ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जो सी से शुरू है वो निगेटिव है, थोड़ा याद रखने रखेंगे ज़्यादा सफली रहेगी। इसी प्रकार से और भी फार्मूले हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो कैलकुलस अच्छे से समझ में आ जाएगी, और ये बोर्ड एग्जाम में कैलकुलस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसकी इसका नंबर हम क्या बताएं कितने नंबर का है, बहुत आता है, हर जगह इसका अवकलन है, जान लेंगे तो समाकलन बन जाएगा, एरिया ज्ञात करने का, क्षेत्रफल ज्ञात करने का, अवकलनीयता जान जाएंगे, मैक्सिमा मिनिमा है, टेंजेंट नॉर्मल है, हर जगह इसकी उपयोगिता है। इसलिए प्यारे बच्चों मैं कैलकुलस इंपॉर्टेंट रूप से इसको नाम अवकलन इस पढ़ा रहा हूँ, इसको ठीक समझिए। फिर इसके बाद आप लोगों को कुछ फार्मूले और बता दूँ अवकलन के, दो फलन अगर गुणा के रूप में है तो उसका अवकलन कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक फलन एफ वन एक्स है इंटू करके दूसरा फलन एफ टू एक्स है और इसका डी वाई डी एक्स कहना हो, तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान रखिए, ये जो इंटू के रूप में है तो इसमें सूत्र होता है फर्स्ट फंक्शन, यानी पहला वाला फलन से उसी तक उतार दें, डी वाई डी एक्स सेकंड फंक्शन, सेकंड मानी एफ टू एक्स है, ये लिख देंगे कि प्लस सेकंड फंक्शन एफ टू एक्स और डी वाई डी एक्स एफ वन एक्स, इस प्रकार से ऐसे याद रखें, चाहे इसको इस प्रकार फर्स्ट इंटू सेकंड ऐसे करके याद लिखें, डी वाई डी एक्स है ना, फर्स्ट
डी वाई डी एक्स सेकंड प्लस सेकंड डी वाई डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ जैसे पहला फलन लिख दिया तो दूसरे का अवकलन किया, फिर प्लस लगा करके जिसका अवकलन कर चुके हैं उसको नहीं करेंगे, या उसको ऐसे उतार देंगे, जिसका नहीं किया था उसका कर दिया डी वाई डी एफ वन एक्स। तो इस प्रकार से याद रखें फर्स्ट फंक्शन, या ऐसे फर्स्ट करके फर्स्ट फंक्शन उतार दिया सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को उतार दिया फर्स्ट का अवकलन, मैंने एक अवकलन किया एक को छोड़ा, एक किया एक को छोड़ा, इस प्रकार से सूत्र बन गया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इसको बने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये फार्मूला हो गया। फिर इसके मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा। एक और सूत्र समझ लीजिए इसके बाद शुरू होता है, वो होता है न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर से संबंधित, अंश और हर का फलन कोई दिया हो तो उसका अवकलन कैसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एफ वन एक्स ऊपर लिखा हो एफ वन और नीचे लिखा एफ टू एक्स, इस जगह ऐसे अंश और हर से रिलेटेड, तो ये होता है हर से शुरू होता है इसमें, है ना, हर यानी एफ टू एक्स डी बाई, माने हर डी बाई डी एक्स अंश, अंश माने एफ वन एक्स माइनस अंश यानी एफ वन एक्स डी बाई डी एक्स हर यानी एफ टू एक्स, ठीक, और बटे हर का स्क्वायर यानी एफ टू एक्स का स्क्वायर इन होल स्क्वायर, इस प्रकार ऐसे याद रखें। यह आप इसको इस ढंग से ही याद रख सकते हैं, इसको ऊपर वाले में मिटा रहा हूँ, इसको फिर से नोट कर लीजिए आप लोग। जो ये अंश हर का है इसको आप इस प्रकार से याद कर लीजिए, या तो डी वाई डी एक्स न्यूमेरेटर बटे डिनोमिनेटर, इंग्लिश में लिख दिया हूँ, न्यूमेरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर में हर, बटे के ऊपर वाला अंश कहलाता है, बटे के नीचे वाला हर कहलाता है। तो इस ढंग से हर से मतलब डी डी वाई डी एक्स अंश यानी एन, हर डी वाई डी एक्स अंश यानी एन माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर बटे हर का स्क्वायर, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। डिनोमिनेटर डी बाई डी न्यूमेरेटर माइनस न्यूमेरेटर डी बाई डिनोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर स्क्वायर, इस प्रकार से याद कर दें। तो ये बहुत काम के सूत्र है, मैं बता दिया हूँ, फिर इसके बाद और भी बताएंगे। पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एन सी आर टी से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आप लोग समझिए, उसके सूत्र देखिए। जैसे पहला इसी से संबंधित डी वाई डी एक्स एक्स साइन एक्स का फलन हमने लिख दिया एक्स साइन एक्स, अब इसका आपको अवकलन करना है। तो ये लग रहा होगा कि यार जब दो फलन है एक फर्स्ट है एक सेकंड है तो ये कौन सा सूत्र है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का अवकलन है ये, तो फर्स्ट फंक्शन मैंने एक का करेंगे तो फर्स्ट उतार ले उसी पर, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन यानी साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन यानी साइन एक्स डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स। यार बच्चे उसको ध्यान से समझिए, तो ये फर्स्ट फंक्शन डी बाई सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई फर्स्ट फंक्शन। अब अभी आपको सूत्र सब समझाया गया है कि इसका क्या होता है, एक्स उसी प्रकार इसमें तो डिफरेंस करना नहीं है, वैसे उतार दिया, साइन एक्स का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो ध्यान दें साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स, ये आपको बताया गया है, फिर प्लस साइन एक्स यहाँ उतारना है सीधे, उतार दिया। अब एक्स के सापेक्ष में एक्स का अवकलन जो नीचे लिखा इसे विथ रिस्पेक्ट कर लेते, इसी के सापेक्ष में अवकलन करना है यहाँ। तो एक्स का अवकलन क्या होता है, प्यारे बच्चे आपको बताया गया है कौन सा सूत्र लेकर इसमें डी वाई डी एक्स एक्स टू पावर एन का, यहाँ पर एन आपका एक का काम कर रहा है ना, तो ये एन एक का काम करेगा। जैसे यहाँ इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र बताया एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। अब जहाँ अगर पावर एक्स ही है वन ही है एन, मैंने एक्स टू पावर वन है तो यह वन समझते एन में वन लिख देंगे, तो ये वन एक्स टू दी पावर वन माइनस वन तो कितना हो जाएगा, वन एक्स टू पावर जीरो। अब किसी भी संख्या में पावर जीरो रहता है तो उसका मान वन होता है, तो कुल मिला के वन। तो इसके प्यारे बच्चे याद रखो कि एक्स का अवकलन एक होता है, तब होता है एक्स का अवकलन एक होता है, कैसे हुआ मैं तरीका बता दिया, एक्स टू पावर मेन सूत्र हुआ उसी में एन में एक समझेंगे रख देंगे उसी प्रकार, इस प्रकार से वन हो जाएगा, तो ये वन हो गया इस प्रकार से। तो कुल हो गया आपका आंसर एक्स कॉस एक्स
और प्लस साइन एक्स। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका ठीक से आप लोग ठीक से समझें, ठीक है। रखिए तो इस प्रकार से ये इन टू का क्वेश्चन बताएं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं दो एग्जाम्पल दे भी रहा हूँ तुम लोग करके दिखाना, दूसरा एक मैं एक एग्जाम्पल ग्रुप में तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स इंटू टेन एक्स, इसका भी प्यारे बच्चों तुम लोग करके दिखाना, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको इससे पूछूंगा, आगे बताऊंगा डी बाई डी एक्स एक्स टेन एक्स का अवकलन आप करके दिखाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में और आपको इसके विधिवत आगे बताया जाएगा, ठीक प्यारे बच्चों इसको ठीक समझिए, थैंक यू।